देखो बाप दादा तो सही कह गए हैं कि जो थोड़ी मोड़ी जॉब सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट जॉब में है। क्यों? क्योंकि हाल में ही बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने कई सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है। रिसेंटली मेटा ने 11,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। पर ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे के टॉप 5 रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स इन ई-कॉमर्स। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि पैंडेमिक के टाइम पे पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन हो गया था, जिसके कारण ई-कॉमर्स का डिमांड बढ़ गया। इसीलिए इन्होंने ई-कॉमर्स में हद से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। पर पैंडेमिक के बाद गेम उल्टा हो गया और कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस होने लगा। दूसरा रीजन है इंक्रीज कॉम्पिटिशन। जब से एप्पल ने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर को लॉन्च किया है, तब से मेटा को लगभग $10 बिलियन का लॉस हुआ है और मार्केट में टिकटॉक का डोमिनेंस भी बढ़ता जा रहा है। तीसरा रीजन है राइजिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मेटा का कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर 19% बढ़ता जा रहा है। थर्ड क्वार्टर में मेटा का एक्सपेंसेस $21.1 बिलियन था। चौथा रीजन है डिक्लाइन इन सेल्स एंड इनकम। एक तरफ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सेल्स 4% एंड ऑपरेटिंग इनकम 46% घट चुका है, जो है $5.66 बिलियन। और पांचवा है मेटावर्स लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर भी मेटा एंड मार्क जुकरबर्ग इसमें लगे हुए हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि 2023 में लॉसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को जॉब से निकालना सही है? कमेंट करके जरूर बताएं एंड फॉलो फॉर मोर।